गाइस वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सो होप करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आप सब लोगों का एक नए ब्लॉग में। सो आज के ब्लॉग की शुरुआत देख सकते हो आप लोग, बिल्कुल शॉप से हो रही है। तो सबसे पहले तो ये शॉप किसकी है, तो सबसे पहले आप अपने लाला जी से मिलिए। तो ये है अपने बड़े भाई, तो इनकी शॉप है। तो बाकी जो ये शॉप है ये है बिल्कुल चाटी में, एडू रूट स्कूल के सामने है। तो बड़े भाई ने बोला कि थोड़ा बहुत मतलब शॉप का शूट करना है, तो मैं कहा क्यों नहीं, बिल्कुल करेंगे हम शॉप का शूट भी, क्यों। तो बिल्कुल आज जो हम लोगों ने आपके सामने एक नया ब्लॉग लेके आया है, तो वो है इस शॉप के बारे में। और ऐसा नहीं है कि शॉप ही शॉप है, अभी हम लोग आगे भी जाएंगे कहीं, तो वो चीज़ भी आपको इस ब्लॉग में देखने को मिलेगी प्रॉपर। तो सबसे पहले जो है आप लोग एक बार शॉप का मुआयना करें अच्छे से। सो अपने लाला जी से मिलिए गाइस। आप महाराज बड़े भाई कैसे आप? बहुत बढ़िया, बताओ। तो चेला भी आ गया है बिल्कुल। तो बाकी लाला जी आजकल फ्रेश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आजकल जो है IPL में बढ़िया इनका सट्टा लग रहा है बराबर। क्यों, कितना कमाया बता दो कुछ? 8000। अरे अरे 8000 कमाया, पर इधर एक भी चुस्की नहीं अभी तक पिलाई। तो चेला भी चला है हमारे साथ, कहाँ जा रहा भाई? सो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, ये अपने लाला जी और बड़े भाई महाराज। तो ये है तनुष जनरल स्टोर, तो अपने लाला जी की शॉप है। तो आप लोग यहाँ पे बिल्कुल आ सकते हो, यहाँ पे आपको जरूर आ सकते हो, सब कुछ मिलेगा आपको यहाँ पे इनके पास, खाने पीने से लेके मतलब हर चीज़, सब्जी भी मिलेगी आपको। तो आप लोग बिल्कुल जो है यहाँ पे आ सकते हो, और लाला जी से बिल्कुल आप मिल भी सकते हो, क्योंकि एक तो ये बंदे ही मतलब ख़तरनाक बंदे हैं, और बिल्कुल अपने बड़े भाई है। तो आप लोग जो है यहाँ से बिल्कुल मतलब सामान सुन लें। तो अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं प्लीज? फिलहाल तो सेंटर की ओर जा रहे थे, फिलहाल अभी जो है हम लोग बिल्कुल वहीं जा रहे हैं, और कुछ एक बंदे जो है हमारे आगे वेट कर रहे हैं। तो अभी फटाफट से यहाँ से निकलते हैं और आप लोगों को बिल्कुल आगे मिलते हैं। और सबसे पहले जो है आप लोगों को आज मौसम चेकआउट कराते हैं किस तरह का मौसम है। सो आप लोग जो है बिल्कुल बने रहे ब्लॉग में और इन्जॉय करते रहे गाइस। ठीक है लाला जी, शाम को मिलते हैं, अभी सेंटर से आते हैं ज़रा। तो दोस्तों फिलहाल जो है आप लोग आज बिल्कुल मौसम जो है बिल्कुल चेकआउट कर सकते हैं। तो इधर से मौसम बिल्कुल साफ़ हो रखा है आज, तो दूसरी साइड से जो है मतलब थोड़े से क्लाउड्स बादल आ रखे हैं। और अभी जो है हम लोग आगे जा रहे हैं, मेरे साथ है ऋषभ। तो पुल के पास जो है हमारे को मिलेगा साहिल ब्रामटा, और फिर आपको आज काफ़ी टाइम बाद जो है ब्रामटे से भी मिलाते हैं। दोस्तों जो आपको सामने दिख रहा है ये रामपुर का बस स्टैंड, तो इसके सामने ही है चाटी। तो अभी हमारी जो है डेली की ये बिल्कुल पैदल यात्रा रहती है यहाँ से पार तक, और पार से ये ऐसे ऐसे बंदे हमारे साथ, तो ये जो है पैदल नहीं जा सकते हैं, तो पार से बिल्कुल हमारे को बस लेनी पड़ती है। जैसे इंसान हमारे साथ गाड़ी होकर भी गाड़ी नहीं लाते हैं, बोलते हैं पैदल चलो स्वस्थ रहेंगे मस्त रहेंगे। तो ये सच्चा है, क्योंकि इसके पास अभी गाड़ी में चलेगी, गाड़ी गुड़ी नहीं है, तो इसको घर वाले गाड़ी नहीं दे रहे हैं। तो ये सच्चा है, जब इसके पास गाड़ी आएगी तो ये उस टाइम इसको पता लगेगा कि गाड़ी लेनी जो है वो आसान है, बट पालनी बहुत ज़्यादा टफ है। तो चलो इसको आगे पता लगेगा ये चीज़ है। बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। फाइनली दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल जो है ब्रामटा जी हमारे पास पहुंच चुके हैं। सो काफ़ी टाइम बाद ब्रामटा जी के दर्शन हो रहे हैं आज ब्लॉग में। कैसे हो आप? आप बताओ पहले कैसे आप? फैमिली कैसी है सारी हमारी? यूट्यूब फैमिली, फैमिली बहुत ज़्यादा अच्छी है। बाकी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसे हैं सब लोग। ब्रामटा जी आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, तो आप लोग भी शायद ब्रामटा जी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे होने थे। काफ़ी बहुत टाइम हो गया ब्रामटा जी। चेला जो है पूरा फील ले रहा है पुल पे आज, तो ब्रामटा जी अपने ये भी फील ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है बिल्कुल ठंडी हवा चलती है। ये आपके लिए मतलब साइड पॉइंट बन सकता है, अगर कोई ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया तो यहाँ से बिल्कुल छलांग दे सकता है। तो एक बार जो आप नीचे चेक करें, क्या पता ऋषभ मुझे मूड में लग रहा है आज। गाइस दे दूँ, कमेंट करके बता दो। तो बंदा बिल्कुल रेडी है, तो मैं इसकी वीडियो बना रहा हूँ।
सो फाइनली दोस्तों देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे जो बिल्कुल बस का वेट किया जा रहा है। तो अब देखते हैं कितना टाइम लगेगा बस को आने में, कौन सी बस रुकती है कौन सी नहीं रुकती है। तो ब्रह्मटा जी का जो आजकल सट्टा नहीं लग रहा है ठीक, तो ये टीम तो आजकल डेली बना रहे हैं बट उसमें पैसा जाता जा रहा है, पैसा जाते हुए दिख रहा है। Oh no! कितना पैसा मरा लिया तेने इसमें डेली का हमेशा के रखो जी आप 59। तो आ कुछ नहीं रहा मतलब, हाँ कुछ नहीं रहा, लॉस में ही है मतलब आप अभी तक। तो जिस दिन आ गया तो फिर क्या ड्रीम्स रहेंगे आपके मतलब? सबसे पहले तो एक मेरा खेत है उसका नाम है बाला, हाँ। जो मशहूर खेत है पूरे मिस्र में, हाँ। धना गांव में हाँ। तो सबसे पहले वो प्लान होगा। अच्छा तो पूरा अच्छा, तो वहाँ पे लगेगी फिर थार। ओह माय गॉड, वाओ। अच्छा ठीक है, थार तो लगेगी ही लगेगी। तो ब्रह्मटा जी का जो पहला सपना है वो है थार लेने का, तो अगर ब्रह्मटा जी को पैसा आता है तो सबसे पहले जो है थार निकली। ये तो अपनी वो दूसरा सपना हमारा है कुछ मंदिर के लिए करने वाला। तो गाइस बस नहीं रुक चुकी है, ये हमारी लंबरगिनी का, ये लंबरगिनी सरकार ने मुझे लंबरगिनी फोन किया। तो आरसी को जो हम लोग बिल्कुल नहीं दिख रहे थे यहाँ पे, तो अभी ढूंढना टास्क हो गया था, तो फिर बंदे को कॉल करनी पड़ी और कॉल करके बंदा हमारे पास। महाराज कैसा है भाई? इनके बारे में बता दूँ तो अभी जो है फटाफट से हम लोग बिल्कुल सेंटर जाएंगे और देखते हैं सेंटर में किस तरह का माहौल है। तो अगर किसी को जॉब चाहिए भाई तो देख सकते हैं आप। अभी हमारी सेंटर में मीटिंग है तो देखते हैं, क्योंकि इसके पापा नहीं आए ना ऋषभ के, तो उन्हें बुलाया गया है वहाँ पे, तो देखते हैं इसने क्या क्या गुल खिलाया है वहाँ पर। सो फाइनली दोस्तों देख सकते हैं आप ये सेंटर के लिए रास्ता, तो बिल्कुल अभी इसमें जाना पड़ेगा ऊपर को। सो फाइनली देख सकते हैं आप बिल्कुल जॉब के लिए बिल्कुल फॉर्म भरा जा रहा है यहाँ पे। तो ये है भाई एड्रेस में क्वालिफिकेशन आ रहा था, ये हमारा देश पकड़ा सर, यहाँ देखो सर ऑफिस में बैठे हैं इस टाइम। सर यार जल्दी करो, सर यार जल्दी करो। तो आज जो है ये खाना खा के तो सुबह लगता है नहीं आया है, तो मुंह खोल दो एक बार, अभी कागज़ खा रहा है उठ के। देख सकते हो आप लोग बिल्कुल सेंटर से हम लोग वापस आ चुके थे और अभी बाजार घूम रहे हैं। सो फाइनली गाइस देख सकते हैं आप चाटी पुल पे बिल्कुल, तो अतुल भाई हमारे साथ है आज, तो ये भी मिल गए हैं। तो यहाँ पे ओ माय गॉड ONZ क्लब की टी शर्ट ले ली अतुल भाई ने, तो ये नई नई चीज़ें अपग्रेड करते रहते हैं शरीर में, तो सिर्फ बाल नहीं आ रहे वो बात अलग है, चलो वो भी कभी हम आपको चिपका के दिखाएंगे अच्छे वाले। तो बाकी आगे का क्या प्लान है वो भी ब्रह्मटा जी से पता लगेगा हमारे को अभी। तो ये क्या पता लगेगा, पुल जो है वो बहुत ज़्यादा टाइट है देख सकते हैं आप, बिल्कुल मतलब एक साइड में होना पड़ता है जब गाड़ियाँ घूड़ी आती है।
चल 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 चल